नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती हर्षली पाटिल है। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमकॉम डबल एमए बीए इंग्लिश है। टीचिंग कोर्स में मैंने डीएड किया हुआ है और मुझे 18 वर्षों का अनुभव है। सीहोर जिले की विशेषता है कि यहाँ इसे नवाबों की नगरी कहा जाता था। नाना पेशवा की समाधि यहाँ है और चिंतामन गणेश और सलकनपुर विजासन माता मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर। मैं सीहोर जिले के नौसलागंज ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला सद्दाम कॉलोनी में पदस्थ हूँ। मेरी शाला में 83 छात्र छात्राएं हैं। यहाँ मैं हेड टीचर के रूप में पदस्थ हूँ। जब मैं इस शाला में गई और मैंने कार्यभार संभाला तो मेरे सामने सबसे प्रमुख समस्या बच्चों को शाला में रोक के रखना था। यहाँ के बच्चे बहुत ही अधिक एग्रेसिव थे। उनकी इस एग्रेसिव एनर्जी को मुझे पॉजिटिविटी में क्रिएट करना था। इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। श्री अरविंदो सोसाइटी का जब हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया, ZIIEI का प्रशिक्षण के दौरान हमने सीखा कि हम बच्चों की एनर्जी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। यहाँ की जो पूरी टीम थी अरविंदो सोसाइटी की और यहाँ के मेम्बर श्री विनय तिवारी ने मेरा बहुत सहयोग किया। धीरे धीरे हमने बच्चों के एग्रेसिव बिहेवियर को पॉजिटिविटी में चेंज किया। बच्चे घर से ही कुछ कुछ चीज़ें बना के लाने लगे और उनमें जिज्ञासा पैदा हुई, जिससे वो स्कूल स्वतः ही आने के लिए प्रोत्साहित हुए। इसके बाद हमारा अगला कदम बच्चों को शिक्षा से जोड़ना रहा। बच्चों को हमने गणित विषय और अंग्रेजी से जोड़ने का मैंने भरपूर प्रयास किया। हम जो पहले TLM बनाते थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करते थे, लेकिन अरविंदो सोसाइटी के प्रोग्राम से हमने सीखा कि हम वेस्ट मटेरियल को कैसे टीचिंग एड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आए। हमने जो टीचर इनोवेटिव ऐप है उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड किया और उसके सहयोग से हमने देखा कि किसी भी विषय का पाठ किसी भी बोर्ड के माध्यम से हम उसे देख सकते हैं और उसे किस प्रकार अपनी कार्यशाला में अपनी शाला में रूपांतरित किया जा सकता है, इसका बेहतर उदाहरण हमें सीखने को मिला। हमारे वो बच्चे जो शाला नहीं आना चाहते थे अब खुशी खुशी विद्यालय आते हैं और ग्रामीण परिवेश के होने के बावजूद, माता पिता के शिक्षाविहीन होने के बावजूद भी अब हमारे बच्चों का शैक्षणिक स्तर गुणवत्ता युक्त है। हर प्रकार की गतिविधि, चाहे वो साहित्यिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो, चाहे खेलकूद पर आधारित हो, पूरे ब्लॉक में हमारी शाला का बेहतर परिणाम साबित हुआ। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी शाला एक रोल मॉडल शाला के रूप में चयनित होना चाहिए और इस बेहतर परिणाम के लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी की पूरी टीम को बार बार धन्यवाद देना चाहूँ। धन्यवाद।